नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, अभी देखेंगे कि हमारा जो एक्सपायरी होगा वो कहाँ होने वाला है लगभग, क्योंकि एक्सपायरी मात्र 2 दिन बचा है। आज ट्यूजडे है, वेडनेसडे और थर्सडे, तो प्रीमियम डे के हमारा भी काम करेगा। और मार्केट में हमें डाटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं, उनकी प्राइस एक्शन क्या है, FII की पोजिशन क्या है, ये हम स्टेप बाई स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि FII जो कैश में किए हैं वो क्या किए हैं लगभग। तो आप देखें कि कैश में FII उन्होंने कल बाइंग किया था मात्र 500 करोड़ का, लेकिन आज फिर इनका देखिए सेलिंग स्टार्ट हो गया। और इन्होंने 1000 करोड़ का सेल किया है, यहाँ पे 1800 करोड़ का सेल किया, लेकिन ये भी मार्केट का संभाल नहीं पाए, क्योंकि इनकी देखिए जो सेलिंग होती है वो बास्केट सेलिंग होती है और कंसोलिडेशन सेलिंग होती है। हमारे जो DII है अभी भी मार्केट में पूरा क्या है, इनमें यूनिटी नहीं है, लेकिन इनकी जो सेलिंग होती है वो बास्केट सेलिंग होती है, तो इसलिए ये जो सेलिंग करते हैं कंसोलिडेशन सेलिंग करते हैं मार्केट, इसीलिए जो है उनके जो है हमेशा डायरेक्शन में रहता है। तो एक बार हम डेटा देख लेते हैं कि डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन फिर हम डेटा देखेंगे। तो प्राइस एक्शन में देखिए, अगर हमें लॉन्ग करना है तो हमने देखा है कि मार्केट में जब हमारा ये लेवल ब्रेक करेगा तभी हमें फ्रेश लॉन्ग होना है। हमने आज के लिए देखा था, ये लेवल देखिए ब्रेक नहीं किया एक्चुअली, और इसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट आ गया। अब देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ पूरा, फिर मार्केट इसी को पूरा इस रेंज में रहा और यहाँ पे एक W पैटर्न बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, इस रेंज को जैसे ब्रेक किया देखिए मार्केट में एक अच्छा खासा गिराव गया। तो हमको अभी अभी जो मार्केट में होना है वो कैसे लॉन्ग होना है, मार्केट में भी हमारा पोजीशन क्या रहेगा। तो आप देखिए VWM या VWP दोनों अभी क्या है इसके नीचे कंट्रोल, तो यहाँ से मैं जो है प्राइस एक्शन वो बेयरिश इंडिकेशन कर रहा। लास्ट में देखिए जो दोनों ये कैंडल बने हैं बहुत ही भयानक कैंडल बना, इस कैंडल को क्या कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कोई, अब कि इसमें जो सेलिंग आया उसको हम डेटा बताएगा कि क्या है। लेकिन ओवरऑल अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो हमें अगर फ्रेश लॉन्ग होना है तो 16650 के ऊपर, 630 यहाँ पे लिखा है लेकिन 650 के ऊपर ही फ्रेश लॉन्ग होना है आपको, ये जो है इसके ऊपर ही हमें फ्रेश लॉन्ग होना है। तो हमारा अगर उतरेंगे तो पारा 630 के ऊपर अगर लॉन्ग होते हैं तो आपको वहां से बहुत मिनिमम टारगेट 50 पॉइंट का टारगेट रहेगा 630 का। 680 के बाद अगर प्रॉफिट बुक करिए, उसके बाद फिर वेट करिए, जब मार्केट 670-680 के ऊपर जब मार्केट क्या करने लगे, वहां से कंसोलिडेशन करने लगे, तो फिर एक अच्छा खासा मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है 750 के लिए, 16750 के लिए, नहीं तो मार्केट हमें बेरी सी रहेगा। लेकिन अगर हमें शॉर्ट करना है तो 16600 के नीचे जो स्विंग है इसके नीचे हमें जो है वो करना है 16600, इस स्विंग को जब ब्रेक करेगा तो ही हमें समझे कि शॉर्ट होना है मार्केट में। और इसके नीचे अभी भी 584 के ही ऊपर जो क्लोजिंग है, तो मार्केट यहाँ से हमें अभी शॉर्ट पोजीशन है, जब तक कि हमारा मार्केट 16630 के नीचे ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है, 16630 के ऊपर क्लोज देगा तभी हम लॉन्ग होना, नहीं तो मार्केट हमारा शॉर्ट टेल यहाँ पर लिखा है 16600, टारगेट हमारा 16500 का रहेगा, 16390 का और 16280 का रहेगा टारगेट, ये हमारा टारगेट रहेगा निफ्टी में। ओवरऑल देखें आज ये जो दोनों कैंडल है बाइंग और सेलिंग का, इसको हम एक बार स्पीक नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ स्पाइक आया है वो हमें डाटा सजेस्ट करेगा क्या हुआ, यहाँ जो बड़े प्लेयर द्वारा पोजीशन शिफ्ट किया गया कहीं ना कहीं, तो ये हमारा प्राइस एक्शन रहेगा। अभी हम बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी भी सेम देखें, बैंक निफ्टी में पूरा जो एक लास्ट का जो फॉलोइंग आया है, मार्केट आज पूरा ओपन हुआ और इसी रेंज में मार्केट देखिए टेक करते रहा पूरा रेंज में, और फिर वहां पे क्या है उसके बाद ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट एक अच्छा खासा नीचे की तरफ हमें गिरावट देखने को मिला। तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल क्या होता है, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर होता है तो एक बार आपको सबसे पहला इसका रेजिस्टेंस आपको 35005 जो है 60 के ऊपर दिखेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा 35560 को तो नेक्स्ट टाइम हमारा 700 का होता है 35700। लेकिन आपको फ्रेश यहां से अगर लॉन्ग होना है 35560 के ऊपर, जैसे चलता है आप 150 पॉइंट्स का माफ करिएगा लॉन्ग हो सकते हैं, टारगेट हमारा 35670 का रहेगा, 670 का। उसके ऊपर अगर कोई कैंडल लेता है तो एक अच्छा खासा मोमेंट हमारा आपको 35850 का या फिर 36000 का दिखाई देगा। लेकिन आप देखें पूरे इसी चैनल में चल रहा था मार्केट, इस चैनल को ब्रेक किया, कितने एक बार ये ब्रेक करने का कोशिश किया, नहीं हुआ ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन लास्ट में जब नीचे आया तो एक अच्छा खासा ब्रेक हुआ। तो जब भी मार्केट 2 या 3 बार उसको किसी भी चीज को अगर हिट करता है, मान लीजिए ये ऊपर से या नीचे से अगर ऐसे हिट कर रहा है तो तीसरा बार चांसेस होते हैं या ब्रेक करने का, मार्केट नीचे आ जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ होता है तो तीसरा बार अगर चौथा बार हिट करता है तो मार्केट क्या होता है ब्रेक करने का चांस। आप देखें यहाँ पे कोई हिट नहीं था, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई थी, यहाँ पे ये टच किया था लेकिन ये स्ट्रेंथ इसके सामने जैसे है एक अच्छा खासा गिरावट के साथ आ गया। तो हमारा ये टारगेट रहेगा 35600 के ऊपर लॉन्ग होना है 750 का और 850 का टारगेट रहेगा। लेकिन जैसे ही 35300 के नीचे आता है मार्केट, यहाँ से लगभग 150 पॉइंट नीचे, फिर हमें शॉर्ट हो जाना है इस लेवल तक, हमें इसमें आप क्या है स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग कर सकते हैं 35300 के 35650 के, यानी 250 पॉइंट के बीच में आप स्विंग ट्रेडिंग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें जो RSI है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ ओवरसोल्ड जोन में आ गया मार्केट, यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाना ही है, तो एक बार 35670 के ऊपर टच कर सकता है मार्केट ओवरऑल। ये हमें डाटा पे देखेंगे कि डाटा बड़े पैर द्वारा क्या पोजीशन बनाया गया। चलिए एक बार हम डाटा देख लेते हैं कि डाटा क्या हमें सजेस्ट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन का डाटा देखें तो आज जो हमारे
नेट शॉर्ट देखिए, जो शॉर्ट वो क्लोज कर लिया गया है पूरा, जो भी शॉर्ट किए थे इन इनकी अलग 4200 क्वांटिटी लॉन्ग थी, उन्होंने आज शॉर्ट पोजीशन पूरा क्लोज किया, शॉर्ट पोजीशन बनाया है, 27000 का लॉन्ग पोजीशन हो गया 4000 से। इसमें से क्या हुआ, 28000 इन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया, आज 5400 लॉन्ग पोजीशन को क्लोज किया है इनका जो लॉन्ग पोजीशन था ओवरऑल। तो यहाँ ओवरऑल मार्केट में ये क्या है, ये बेयरिश हो गए हैं आज के पोजीशन के द्वारा। देखिए इनका आज पोजीशन जो बनाया गया है प्रेस, लेकिन ओवरऑल इनकी जो पोजीशन आप देखें तो यहाँ पे अभी बुलिश पोजीशन, लेकिन आइए शॉर्ट पोजीशन ज्यादा क्रिएट करें मार्केट में। हमारा एफआई ने भी क्या नेट शॉर्ट पोजीशन बनाया, इनका जो लॉन्ग पोजीशन था ये पूरे देखिए 17000 का मात्र 3000 रह गया है। इन्हें ओवरऑल अपना लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर लिया और शॉर्ट पोजीशन आज मार्केट में जब ऊपर था वहीं पे वो क्लोज क्रिएट कर रहे थे। और सेम चीजें हमारा क्या किया है यहाँ पे, वो जो है प्रॉप के भी द्वारा किया गया है, प्रॉप का भी देखें तो यहाँ पे ये हमारे जो है क्लाइंट ने शॉर्ट पोजीशन अपना क्लोज कर लिया है। इनको लगता है कि मार्केट समझिए कि अब यहाँ से क्या होगा, नीचे नहीं आएगा ऊपर ही जाएगा, और इन्होंने क्या शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया हमारे एफआईआई और प्रॉप ने। तो ये डेटा हम यहाँ से अभी फ्यूचर का वो बेयरिश इंडिकेशन कर रहा है। एक बार हम डीआई का भी डेटा देख लेते हैं, क्योंकि डीआई का भी डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीआई सिर्फ फ्यूचर में ही ये आपको एक्टिव रहते हैं। तो इनकी अगर फ्यूचर के डेटा थे तो इनका जो शॉर्ट पोजीशन था वो क्लोज कर लिया है आप ये पूरे देखिए, जो लगभग 46000 का शॉर्ट पोजीशन था वो क्लोज करके 42000 अब इनका शॉर्ट पोजीशन हो गया है नेट में, और इनका जो नेट आरओसी 1500 हुआ है मात्र। तो ओवरऑल इनका डेटा अभी भी लगभग वही है 42000, इन्होंने बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन क्लोज नहीं किया है। तो हमारे तीनों प्लेयर यहाँ से जो है फ्यूचर में क्या है, बेयरिश है, एफआई डीआई और प्रॉप। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में इनका देखिए जो हमारे क्लाइंट थे, क्लाइंट का क्या था, ये पूरे जो शॉर्ट था 58000 इनका कॉल शॉर्ट था, इन्होंने आज पूरे कॉल शॉर्ट को क्लोज करके कॉल में लॉन्ग हो गया, 1,51,000 आज इनका कॉल बाइंग किया है, 93000 इनका कॉल में लॉन्ग हो गया। और हम अगर ऑप्शन की बात करें फ्यूचर ये सॉरी पुट की तरफ, तो 1,28,000 इनका क्या है पुट शॉर्ट था, इन्होंने 38000 और ज्यादा शॉर्ट कर दिया मार्केट जब वो नीचे आ रहा था, तो पूरे 168000 यानी इन्होंने कॉल को लॉन्ग और पुट को शॉर्ट जब पहले चल रहे थे वैसे ही चलने लगे, मार्केट में पूरा फुल्ली बुलिश हो गए हैं। और हमारे एफआईआई ने क्या आप देखिए 1,10,000 इनका कॉल की तरफ लॉन्ग था, 16000 इन्होंने पोजीशन क्लोज कर लिया ऊपर मार्केट का 93000, और 1,76,000 का क्या था पुट में बाइंग था, ये 14000 आउट पुट बाइंग कर लिए हैं, यानी ओवरऑल 1,90,000 इनका पुट बाइंग हो गया। यानी यहाँ से क्या हो गया, कॉल शॉर्ट पोजिशन कर लिए, कॉल को क्लोज कर लिया, पुट बाइंग कर लिया, यहाँ से पूरा ये बेरिश हो गया। 52000 ही इनका शॉर्ट पोजिशन था, आज प्रेस उन्होंने 1,34,000 जो है वो शॉर्ट किया। यहाँ पे आप देखें कि जो 1,51,000 इन्होंने लॉन्ग किया, इसमें क्या किया है इन्होंने, इसमें ये आपको 16,000 पार्टिसिपेंट इनका है शॉर्ट का, और 1,34,000 शॉर्ट का, यानी ओवरऑल हमारे बड़े प्लेयर यहाँ से कॉल आज शॉर्ट किए, आप समझ गए। तो यहाँ दोनों बड़े प्लेयर बेयरिश हो गए। पुट की बात करें तो पुट इन्होंने बाइंग किया है, ये पुट यहाँ पे 38,000 सेल किए हैं, ये पुट यहाँ पे बाइंग किया गया है, और ये भी आपको 28,000 पुट बाइंग किया है। आप देखें इनका जो 80,000 कॉल में शॉर्ट था वो 54,000 आ गए, 55,000। तो ओवरऑल डाटा यहाँ से में क्या है, दोनों बड़े प्लेयर का बियर सजेशन कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, और हमें जो है प्राइस एक्शन भी वही कर रहा है। तो ऑप्शन चेन में भी आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन में भी सेम इंडिकेशन कर रहा होगा। आज अगर पूरे ओवरऑल देखें तो यहाँ पे देखिए कॉल की तरफ पूरा पोजिशन ये जो है वो राइट किया गया है, यहाँ पे देखिए ये पोजिशन यहाँ क्लोज है पूरा मार्केट में, जो बड़े प्लेयर द्वारा पोजिशन बनाया गया है कॉल की तरफ राइटिंग किया गया है, हमने देखा ना पूरे क्लाइंट ने आज राइटिंग किया है, इनकी राइटिंग देखिए कहाँ पे फ्रेश राइटिंग यहाँ आपको किया गया है, पूरे फ्रेश राइटिंग इन द मनी भी राइटिंग किया गया, पूरा इन द मनी आप देखें 16,500 के ऊपर यहाँ पे पूरे राइटिंग किया गया, और ये जो बाइंग किए गए हैं इनका इधर बाइंग है पुट की तरफ जो बाइंग किया गया है पूरा ओवरऑल। तो ओवरऑल हमारे जो बड़े प्लेयर का डेटा देखिए, अब डेटा जब कोरिलेट करने लगेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों मार्केट में एनालिसिस करने में। ओवरऑल आप अगर बैंक निफ्टी का भी डेटा देखें तो बैंक निफ्टी भी सेम पोजीशन बनाएगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग एक ही साथ चलता है। कभी कभी हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऐसा हो कि बुलिश हो और निफ्टी बेरिश हो जाता है, जैसे कल था। तो आप देखें इनका जो है ये पोजीशन पूरा राइटिंग किया गया है यहाँ पे, और ये इधर में नीचे की तरफ बाइंग की है, क्योंकि इनका अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ पे अपना पोजीशन क्लोज कर नहीं करते, ये देखिए पूरा पोजीशन क्लोज है। तो हमारे बड़े प्लेयर द्वारा क्या पुट बाइंग और कॉल को राइटिंग किया गया है, मार्केट ओवरऑल डाटा हमें बेरिश सजेशन कर रहा है, ये आप देखें यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का रेशियो और हमें डाटा भी पूरा रेड में है, यानी बेरिश सजेशन कर रहा है, 100% मार्केट नीचे ही रहने वाला, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए आरएसआई के चलते, बाकी डाटा हमें बेरिश इंडिकेशन कर रहा है। तो ओवरऑल डाटा हमें बेरिश सजेशन कर रहा है दोस्तों, हमारा प्राइस एक्शन भी बेरिश सजेशन कर रहा है, मार्केट का 360 एनालिसिस ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को
लाइव डेटा को लाइव में आप चाहते हैं मार्केट में लाइव एनालिसिस, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं अपना जो है व्यूज पोस्ट करता रहता हूं, एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूं। आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से बिल्कुल लाइव अपडेट पा सकते हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का प्रेस करके रखें ताकि लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक जरूर पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज का बनाया गया है, इस वीडियो के अगर कोई बाय सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट न करें, बाय सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लें, उन्हीं के सलाह पर बाय सेल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आशा करता हूं कि आपका दिन जरूर प्रॉफिटेबल होगा।